हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बाल मजदूरी पर हिंदी में निबंध। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए बचपन ही सबसे अच्छा वक्त होता है, जिसमें वह खेल कूद कर खुश रहता है। बाल मजदूरी हमारे देश में सबसे बड़ा कलंक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना, उनका बचपन, खेल कूद, शिक्षा का अधिकार छीनकर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना और कम रुपयों में काम करवाना बाल मजदूरी कहलाता है। यह सभी देशों में गैर कानूनी है। कुछ बच्चे जो निम्न वर्ग के होते हैं, वे परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ के कारण काम करते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते तो बच्चे मजबूर होकर काम करते हैं, जिससे बच्चों को अपने माता पिता का प्यार दुलार भी नहीं मिल पाता। होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों, उद्योग धंधों, कारखानों, चाय की दुकान पर छोटे छोटे बच्चे काम करके पैसे कमाते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते तो वह किसी अच्छी नौकरी पाने के योग्य भी नहीं बन पाते, तो जिंदगी भर मजबूरी वश उन्हें पूरा जीवन गरीबी में ही व्यतीत करना पड़ता है। बाल मजदूरी बढ़ने का मुख्य कारण है कि हमारे देश में कई बच्चे अनाथ हैं, तो कुछ लोग उन्हें डराकर व धमकाकर भीख मंगवाते हैं या रुपयों के लालच में बच्चों को बेच देते हैं। बाल मजदूरी के कारण बच्चे अशिक्षित, कुपोषित, शारीरिक शोषित, मानसिक प्रताड़ित होते हैं। सरकार छात्रों छात्राओं को अध्ययन कराने के लिए प्रोत्साहित करने की कई नीतियां बना रही है। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, किताबें व मिड डे मील भी दिया जाता है। बाल मजदूरी को ख़त्म करने के लिए कई कानून बनाए हैं। हर साल 12 जून को विश्व बाल मजदूरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए और बाल मजदूरी को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। स्वयं व दूसरे लोगों को बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूक करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।